आपको सीधे हरियाणा लिए चलते हैं, वहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सुनते हैं। महान राजनेता, राजनीति के अज्ञात शत्रु, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मेरा उनको कोटि कोटि नमन। देश की राजनीति में को एक नई दिशा और दशा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और हरियाणा सरकार हमेशा उनके पदचिन्हों पर चलते हुए सुशासन के नए आयाम स्थापित करेगी। आम व्यक्ति के जीवन तक कैसे सुगम तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, यह सुनिश्चित करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज हमने, क्योंकि पिछले दिनों जो वर्षा हरियाणा प्रदेश के अंदर कम हो रही और पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम हुई और उस वर्षा के कारण हमारे किसानों का लगातार खर्चा बढ़ रहा था, उस खर्चे को कम किया जाए। और पिछले दिनों हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि हम किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको बोनस के रूप में देंगे और आज पहली किस्त हमने जारी की है। किसानों के खाते के अंदर हरियाणा प्रदेश के ऐसे 5,20,000 किसानों के खाते में आज जो ये पहली किस्त यहां से जारी की है, ये 525 करोड़ रुपए की किस्त आज जारी की है। इसकी प्रक्रिया वो शुरू कर दी है, धीरे धीरे करके एक दो दिन में ये सारा पैसा किसानों के खाते में ये पहुंच जाएगा ताकि उनके खर्चे को कम किया जा सके। ये हमारी कैबिनेट ने, सरकार ने ये फैसला लिया था, आज इसकी पहली किस्त हमने वो जारी की है। जितने भी रजिस्ट्रेशन वो हमारी पोर्टल के ऊपर होंगे, वेबसाइट के ऊपर होंगे, किसानों के उन सब के खाते में ये 2000 रुपये प्रति एकड़ से के हिसाब से पहुंचाने का काम हमारी सरकार वो करेगी ताकि किसानों के उस खर्चे को कम किया जा सके इस कम बरसात के कारण। और आज मैं कुछ घोषणाएं भी करता हूं। प्रदेश के 14 जिलों में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक संचालित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जो राज्य के 6-8 जिले पंचकुला, कैथल, करनाल, हिसार, जज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर में भी चरणबद्ध तरीके से पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे। ये पॉलीक्लिनिक राज्य के पशुपालकों को पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनोकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी और अन्य डायग्नोस्टिक सुविधाएं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि में विशेष पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं दूसरी घोषणा प्रदेश के दुग्ध विक्रेताओं के लिए करता हूं। जो दूध विक्रेता घर घर जाकर दूध की आपूर्ति करते हैं और जिन परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय
3 लाख रुपए तक वार्षिक है, उन्हें राज्य सरकार की दयालु योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्योंकि हमारे जो ये दूध ये हैं, ये चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है और चाहे बरसात है, ये भी जोखिम भरे समय के अंदर लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का काम निरंतर दिन रात करते हैं और समय के ऊपर पहुंचाते हैं। हमने ये निर्णय किया कि उनको इस बीमा कवर के अंदर कवर किया जाएगा, ताकि उनको सुरक्षित, परिवार को सुरक्षित किया जा सके। और कल हमने दुग्ध उत्पादकों के लिए कुछ कल घोषणाएं भी की थी, उसका भी मैं जिक्र करना चाह रहा हूं। क्योंकि कल दूध उत्पादक समितियां वो हमने बुलाई थी, ऐसी 35,000 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों की अप्रैल, मई, जून के 15,59,00,000 रुपए वो सब्सिडी के उनके रुके हुए थे। कल हमने वहां बटन दबा करके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ये पैसा पहुंचाया है। इस वित्त वर्ष के दौरान अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की प्रोत्साहन राशि 5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। कल हमने ये निर्णय किया था। इसी योजना के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष में 39,37,00,000 की सब्सिडी दी गई थी, जो कि इस वित्त वर्ष योजना का बजट हमने 100 करोड़ रुपए कर दिया है। हमने पांचवां जो कार्य दुग्ध उत्पादकों के लिए किया, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत वीटा के जून 2024 तक के लगभग 41 करोड़ रुपए की राशि लंबित बिलों की अदायगी विभाग द्वारा वो थी। हमने कल इसका भी निर्णय किया है कि वो 2-3-4 दिनों के अंदर ये सारा का सारा पैसा उन तक पहुंच जाएगा, वो भी जारी करने का हमने निर्णय किया है। और ताकि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको लेकर के हमारी सरकार ये प्रमुखता से दुग्ध उत्पादकों के लिए, चाहे हमारे जो किसान है, जो पशुपालक हैं, ऐसे सब लोगों के लिए हमने ये काम किया है। आज के जो हमारे, क्योंकि एक प्रमुखता से जो हमने, हमारी कैबिनेट ने फैसला किया था, हमने फैसला किया था कि किसानों को उनके खाते में बारिश कम होने की वजह से 2-2,000 रुपए हम भेज रहे हैं। आज हमने उसकी फर्स्ट किस्त जारी की है और उस फर्स्ट किस्त के अंदर हमने 525 करोड़ रुपया भेजा है। मैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में मैं कुछ क्वेश्चन वो विपक्ष से करना चाह रहा हूं, क्योंकि आजकल वो प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी के प्रति, क्योंकि कांग्रेस अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए हमारी सरकार के प्रति ऊल जुलूल, निराधार, तथ्यहीन, भ्रामक व झूठे आरोप लगा रही है। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की है, उसको जानते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, मैं 10-11 क्वेश्चन तैयार किए थे, परंतु कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि इतने ज्यादा क्वेश्चन हो गए मेरे पास। मैं सोच रहा था कि हम लगातार काम कर रहे हैं और क्वेश्चन बढ़ते चले गए। मैं पूछ रहा था, ये किसानों से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, और भी होंगे बचे हुए, वो भी अभी, क्योंकि मैं लिख रहा था तो ध्यान नहीं रहेगा।